नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत से स्नैक्स की रेसिपीज डाली हैं, आप सबने बेहद पसंद करी हैं और फिर लेकर आई हूँ मज़ेदार सा क्रिस्पी सा चीज़ी सा स्नैक जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आप देख सकते हो कितना ये चीज़ी बना है, ये देखिए आप देख रहे हो उसकी चीज़ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लग रही है ना, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने लिए ये चार उबले हुए आलू, और ध्यान रहे जब हम आलू उबालते हैं उसका छिलका उतारिए और उसको ठंडा करिए पहले, फिर उसके बाद जो है हमने इस तरह से इसको यूज करना है। गर्म आलू हम नहीं यूज करेंगे, पहले आलू को उबाल कर ठंडे कर लें फ्रिज में एक दो घंटे रख कर, और फिर जो है उसको यूज करेंगे। तो छिलका हमने इसको उतार लिया ठंडे करके, और इसको अब हम मैश कर लेंगे। इस तरह से हमने पोटैटो मैशर की हेल्प से सारे आलूओं को इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना। ध्यान रखिए अच्छे से मैश करेंगे इसको ताकि मोटा पीस कोई नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से प्रेस कर करके दबा दबा के इसको मैश कर लिए। हमारे ऑलमोस्ट मैश हो गए हैं। मैंने कई बार कई स्नैक्स की रेसिपीज डाली हैं, आप सबको बहुत पसंद भी आई हैं, आप सबने बेहद पसंद करी है, और मैं ये जो रेसिपी लेकर आई हूँ आज ये भी बहुत ही टेस्टी जो है स्नैक्स बन के रेडी होंगे और बहुत ही इजी है। ये देखिए तो अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया। तो जितना भी पोटैटो मैशर पर लगा हुआ है उसको भी निकाल लेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमारा ये आलू मैश होगा। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भरकर हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी स्नैक्स हो कोई भी सब्जी हो, हरा धनिया सबसे पहले जो है हमें डालना चाहिए। तो ये हमने लिए हैं कुछ कॉर्न्स, और इसको हमने वॉश कर लिए, फ्रोजन कॉर्न लेके वॉश कर लिए। तो इसमें हम 1/2 कप से थोड़ा सा कम जो है कॉर्न्स डाल देंगे। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट, ये इसमें मैंने कूट लिया है, और फ्रेश जो है हम इस तरह से डालेंगे, इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे, और यकीन मानिए इससे स्वाद जो है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो ये हल्का सा अदरक, बंद गोभी, गाजर और थोड़ा सा प्याज, साथ में लहसुन और अदरक, इसको मैंने जो है चॉपर में चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक, और इस तरह से ये इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम ये डालेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो, मैं जो इसमें 1/3 स्पून के करीब डालूंगी। इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर सभी के घर में अवेलेबल होता है, ना हो तो आप अरा रोट भी डाल सकते हो। तो कॉर्नफ्लावर आप इसमें डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच के मेजरमेंट से 3 चम्मच। लीजिए 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर के डाल देने, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा, कोई भी ब्रांड का आप मैदा लेकर डाल सकते हैं। ये देखिए मैदा भी हम उसी स्पून की मेजरमेंट से डालेंगे, और मैदा भी हमने जो है 3 चम्मच के करीब भर भर कर ले लिया। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। आप चाहे तो हाथ की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैं हल्का सा नमक और डालूंगी, तकरीबन 1/3 स्पून के करीब इसमें नमक और डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं लूंगी अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज करते हो वो ले लीजिए, और इस तरह से बैटर को उठाएंगे। इस तरह से, और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो ये मोज़रेला चीज़ ले लेंगे, और मोज़रेला चीज़ जो है इसमें 1/2 से 1 चम्मच के करीब इसमें डाल लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा बैटर और लगा लेंगे। इसको इस तरह से बंद करके, और जो शेप आप देना चाहते हो वो शेप आप दे सकते हो। ये
तो मैं जो है इसको इस तरह से ओवल शेप दूंगी। तो ये इस तरह से हमने बनाकर जो है रेडी करते हैं। तो सारे हम इसी तरह से बना बैटर लेंगे हाथ में, मोज़रेला चीज़ डालेंगे ऊपर, तो थोड़ा सा बैटर और डालते हुए इस तरह से इसको कवर करेंगे। और लीजिए ये हमने रेडी कर लिया, ये भी हम इसको इस तरह से सारे हमने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया। प्लेट में भी इसको डालें एक बार, इसको बीच में इस अच्छे से ग्रीस कर लें, नहीं तो ये चिपकने वाला। और आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए हाथ में ऑयल लगाएं, इस तरह से अपना बैटर उठाइए और हल्का हाथ ऑयल का लगाते हुए इसको दबाएं, और इसमें जो है हम अपनी चीज़ डालें, उसके बाद बैटर थोड़ा सा और उठाएंगे और इस तरह से ऊपर लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से इसको घुमाते हुए गोल गोल, ये गोल गोल घुमाइए इस तरह से, तो शेप अपने आप आ जाएगी बहुत ही बढ़िया से। तो सारे हमने इसी तरह से बनाने हैं। अब हम कोई भी बोल ले लेंगे इस तरह से, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। 2 चम्मच हमने इसमें मैदा डाल लिया, अब 2 ही चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। उसी चम्मच के मेजरमेंट से हम 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक 1/3 स्पून के करीब। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसका एक होल बना लेंगे। हमने इसकी स्लरी बनानी है, बहुत पतला या बहुत गाढ़ा हम इसको नहीं रखेंगे, मीडियम सा होल बनाएंगे। स्लरी जो होती है वो हमेशा मीडियम सा घोल बनता है। थोड़ा सा और देने का पानी, तो स्लरी हमारी हो गई रेडी, आप देख सकते हो इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। कोई लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, ये देखिए। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और फैला लेंगे। तो अब हमने एक बार स्लरी को इस तरह से मिक्स कर लेना है, और हमारे सारे जो हैं ये रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। एक उठाएंगे इसमें से, और उठाकर हमने स्लरी में लगा देना है इस तरह से, अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। ध्यान से इसको उठाएं ताकि ये टूटे नहीं, और इस तरह से उठाकर ये हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग जो है ब्रेड क्रम्स की, अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग जो है हो जानी चाहिए। और ये इस तरह से उठाकर एक बार घुमा लेंगे और वापस जो है अपनी प्लेट पे रखते जाएंगे। तो सारे हमने इसी तरह से रेडी कर लेंगे, इस तरह से उठाएंगे, इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स में इसको फैला देंगे। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाकर सब तरफ से इसको गोल घुमा लेंगे, हाथ में लेंगे और एक बार इस तरह से गोल घुमाते हुए वापस जो है इसको इसकी जगह पर रख देंगे। तो लीजिए ये सब हमारे जो है हो गए हैं रेडी। तो इसको अब हम रख देंगे फ्रीजर में, तो आधे 1.5 घंटे तक के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे, अराउंड 30-40 मिनट्स के लिए। और फिर इसको लीजिए आधा घंटा हो गया, अब इसको हमने फ्रीजर में से निकाल दिया। अब हम कोई भी बैग ले सकते हैं इस तरह का, और इसको डालकर रख सकते हैं इस तरह से, और जब भी आप चाहें इसको जो है निकाल कर खा सकते हो। इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हो, आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए निकालिए और जो है आप इसको फ्राई करिए। ये देखिए इस तरह से इसको बंद कर दीजिए और इसको फ्रीज कर दें, और लंबे समय तक जो है ये बिल्कुल सही रहते हैं। जब भी आपके घर में गेस्ट आए आप निकालें और इसको फ्राई। अब हम कोई भी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे कोई भी तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें आप फ्राई करते हो घर पे, जो आप घर पे यूज़ करते हो वो आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो। हमने इसको गर्म करना, जब ये गर्म हो जाए मीडियम था हमने इसको गर्म करना है, कोई बहुत तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो जब हम डालेंगे तो डालते ही जो है ये जलने लगेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जो है ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो उस तरह से नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए
मीडियम सा फ्लेम। तो गैस का फ्लेम, एक बार ऑयल गर्म हो जाए गैस का फ्लेम हल्का कर दें और इसको एक एक करके इस तरह से डालें। तो जितने आपके एक बार में आराम से फिट आ जाए उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा ओवर ना डालें। तो मेरी कढ़ाई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें चार आराम से आ गए हैं। इसको अभी अच्छे से मैं नीचे से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। गैस का फ्लेम हम मैंने हल्का कर दिया है और जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तभी हम इसको टर्न करेंगे, उससे पहले नहीं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अगर आपको लगे कि गैस का फ्लेम आपका बहुत हल्का हो गया है तो थोड़ा सा तेज़ कर लें, क्योंकि इसको अगर हम फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये काफ़ी ठंडे हैं, गैस ऑयल में जाते ही ये जो है ऑयल को ठंडा कर देंगे। तो इसलिए फ्लेम थोड़ा सा आप तेज़ कर सकते हो शुरू शुरू में, और उसके बाद जो है आप इसको ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप हल्का कर लें गैस को। इस स्टेज पे मैंने जो है गैस को फ्लेम तेज़ कर दिया, फुल पे कर दिया, थोड़ा सा ये नीचे से क्रिस्पी होने लगेगा तो गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। तो हम एक चम्मच ले लेंगे और स्पून की हेल्प से इस तरह से ऑयल जो है इसके ऊपर भी आप डाल सकते हो ताकि अच्छे से ये सब तरफ से क्रिस्पी हो। इस तरह से डालते जाएंगे, हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन होने लगे, ये देखिए इसको स्टेज पे मोड़ लेंगे। स्पून की हेल्प से मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, ये देखिए, और मोड़ भी बड़े आराम से जाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया, तो सारे हमने इसी तरह से मोड़ लेंगे। अब ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, इस स्टेज पे गैस को थोड़ा सा लो कर लेंगे और अच्छे से इसको अब क्रिस्पी होने देंगे, बिल्कुल भी हिलाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं तो फिर टूटने का डर नहीं रहता है और फिर आप इसको जो है मोड़ सकते हो, उलट पलट कर सकते हो इजीली। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी स्नैक्स बनते हैं, इसको आप कोई भी त्यौहार में कभी भी बना सकते हो, कभी कोई गेट टुगेदर हो आपके घर में आप बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है होलियाँ आ रही हैं तो होली में आप इसको बना सकते हो। इस तरह से पहले से ही बनाकर जो है फ्रीजर में रख दें और जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो फटाफट आप निकालें और इसको जो है इंजॉय कर सकते हो। होली के मौसम में ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें, फ्राई करी हुई चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और स्पेशली जब चीज़ी चीज़ें हों तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने लगा है और ये इतनी ईजी है बनाने कि आप इसको झटपट बना सकते हो, कोई भी बना सकता है इसे। अब काफ़ी फ्लेम जो है, काफ़ी घी हमारा जो है ठंडा हो गया है तो इस दोबारा से जो है हम फ्लेम तेज़ कर देंगे। तो तेज़ हल्का गैस को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से करते रहें। जब आपको लगे ठंडा हो गया तो थोड़ा तेज़ कर लें, जब आपको लगे बहुत तेज़ हो गया तो इसको हल्का कर लें ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। अंदर से ये कच्चे नहीं रहने चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा खाने का। फिर से एक बार इसको मोड़ लेंगे और देखिए कलर इसका कितना अच्छा सा, इसका गोल्डन सा कलर आया है, ये देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कलर है ये। इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, बस दूसरी साइड से भी हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना बढ़िया, पास से दिखाते हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट में इस तरह से टिश्यू पेपर रख लें और इसको निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है इसका अच्छे से निकल जाए। तो गैस को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए ये बनकर तैयार हो गए और अच्छे क्रिस्पी बने, इसको सर्व करेंगे। तो ले लेंगे कोई भी टमाटो केचप और मिंट सॉस रखेंगे और इसको करेंगे हम इस तरह से सर्व। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची ये बनकर जो है तैयार हुए हैं। मैं आपको जो है कट करके इसको दिखाऊंगी, एक कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जो है ये चीज़ी बने, तो बहुत ही टेस्टी बने। आप इसे ट्राई करिए
आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ये पसंद आएंगे। इस पर टमाटो केचप लगाएं इस तरह से और इसको आप खा सकते हो। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने। ट्राई करिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।